मध्य प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। कटनी के कोतवाली थाना क्षेत्र के गायत्री नगर में एक दुग्ध व्यवसायी पर बदमाशों ने गोली चला दी। वहीं हमले में दुग्ध व्यवसायी बाल बाल बच गया। आरोपी फायरिंग के बाद फरार हो गया। वहीं मामले में सीएसपी विजय सिंह परिहार ने बताया कि आरोपी गोलू सिंह ठाकुर ने सौरभ से पहले दूध मांगा और फिर शराब के लिए पैसे, वहीं पैसे न देने पर मारपीट करने लगा। इसी दौरान गोलू ने अपने पास रखे कट्टा निकालकर काउंटर पर फायर कर दिया। आगे सीएसपी ने कहा कि मौके से कारतूस बरामद हुआ है और आरोपी की तलाश जारी है। तो उसने पिस्टल निकाली तो मैंने उसको एक डंडा मारा, क्योंकि उसने मेरे को थापड़ मारा था। उससे पहले एक थापड़ मारा उसने मेरे को, फिर मैंने उसको डंडा मारा अपना बचाव करने के लिए। तो जब मैंने अपने भैया को लेने के लिए मैं घर के साइड मोड़ा तो उसने फायर किया, तो फायर मेरे काउंटर पर लगा और बाजू मेरे दादाजी बैठे थे। अभी ये पिस्टल प्रथम दृष्टया जो वहाँ पे कारतूस मिला है, इससे ये प्रतीत होता है कि 32 बोर की पिस्टल होनी चाहिए। आरोपी ये मिलने पे इस पर खो पाएगा।